नमस्कार प्रिय साथियों, अब विचार करेंगे कि सूर्य मेष लग्न के द्वादश भाव में स्थित हो, वे भाव में हो तो क्या परिणाम हमें देगा। सूर्य अगर वे भाव में होता है तो सर्वप्रथम तो एक बड़ा अद्वितीय श्लोक है, व्यये चेत आदित्ये जनुषि नयने कष्टम अधिकम, यानी कि सूर्य अगर द्वादश में हो तो नयने कष्टम अधिकम, नेत्रों में कष्ट ज्यादा उत्पन्न कर देता है, नेत्र रोगी बनाता है। क्षति मार्गे कस्माद् निजव पुषि पीड़ा च निविड़ा, यानी कि राह चलते ही आपको अनायास धन हानि हो जाए, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न कर देता है। रिपूणाम संग्रामे भवति विजय श्री स्तनुभृता, अर्थात कि आप जब लड़ाई करने जाओ या किसी से झगड़ा हो तो आपकी विजय अवश्य आपकी होगी। स्थितिर्यो चांचल्या जनक जातिश्च महति, ऐसा करके कहा, यानी आप बड़े चंचल रहेंगे, आपका स्वभाव बड़ा चंचल रहेगा, अस्थिर रहेंगे, और अपने पिताजी के भाई को भी कष्ट, यानी आपके चाचा को कष्ट अवश्य उत्पन्न कर सकता है, ऐसा सूर्य द्वादश भाव में बैठा रहेगा। तो यहां पर सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव त्रिकोण में आता है। महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेता रोग्राह सुफल प्रदाह, कि सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद है, सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद है, शुभ ग्रह होकर के वे भाव में चले जाना। मित्र क्षेत्र के अंदर है ये, धनु मीन राशि के अंदर, गुरु की राशि में, तो ये मित्र क्षेत्र के अंदर है, तो यहां पर परिणाम तो अच्छा देगा। ये यहाँ पे भृगु सूत्रकारों ने तो कहा षड त्रिंशद वर्षीय गुल्म रोगी, यानी कि यहाँ पर गुल्म रोग है, पेट का रोग दे सकता है, यहाँ पर वे भाव में कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, भृगु सूत्रकारों ने ऐसा ही कहा गया है। और यहाँ पर तो सूर्य अगर यहाँ पर अपात्र व्ययकारी अपात्र भी बना देता और वे भी ऐसा ही करता जिसका कोई मतलब ना हो, लेकिन देवता सिद्धि मीन राशि के अंदर बैठे रहने के कारण जातक ज्योतिष तंत्र मंत्र में अच्छा कर सकता है, यानी कि उसके लिए ये अच्छे मार्ग रहेंगे। पुत्र भाव का स्वामी बनता है, प्रेम भाव का स्वामी बनता है, और विद्या भाव इन चीजों के अंदर गिरावट उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहां से अष्टम भाव है, पंचम भाव से अष्टम भाव, संतान पक्ष को कमजोर, शिक्षा में बाधा, पत्नी से लाभ कम इत्यादियां उत्पन्न कर सकता है। अगर सूर्य के साथ में यहां पर चंद्रमा हो, अगर सूर्य के साथ में यहां पर चंद्रमा हो तब क्या परिणाम देगा, यह विचार करते हैं अपन। चंद्रमा यहां पर केंद्र का स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी, अमावस्या के आसपास का जन्म, और हो सकता है कि ऐसा चंद्रमा अशुभ है यह, क्योंकि न दिशंति सुभंद्रणाम सौम्या केन्द्रादिपायदि क्रूरा सेद शुभं खेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम, शुभ फल प्रद नहीं देते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं अगर केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अशुभ है क्योंकि पक्ष बल से हीन है, इस कारण चंद्रमा और सूर्य की युति राजयोग कारक रहेगी। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैः ही अप्रसक्तास्य विशेष फलदायक, अगर चंद्रमा अस्त भी हो जाए तब भी राजयोग रहेगा, पर यह राजयोग का फल आपको 30-35 वर्ष की उम्र के बाद में ही मिले ऐसा अनुमान है, क्योंकि जल्दी से ऐसे राजयोग फलीभूत नहीं होते हैं। द्वादश भाव में बनने वाले राजयोग बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस राजयोग को प्राप्ति के लिए। माता के स्वास्थ्य के अंदर ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी, बाएं नेत्र में परेशानी तो रहेगी रहेगी, वो तो नेत्र तो बताया ही गई, तेजो विहीन नयने भवेताम, यानी कि तेज विहीन हो जाता है और शरीर में तेज भी नहीं रहता, अपमान होता है जातकों का सूर्य का द्वादश भाव में बैठे रहना है। आगे चलते हैं, सूर्य के साथ में अगर मंगल हो, मंगल यहां पर अगर बैठा रहे तो लग्नेश का वे भाव में बैठे रहना आपको विदेश यात्राएं करवाएगा, विदेश के अंदर इंपोर्ट आउट इंपोर्ट करते हो या फिर आप
विदेश से व्यापार करते हो तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपके जन्म स्थान को त्याग देना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। आपका जन्म जहां पर हुआ उसको त्याग दोगे तो ही आपके लिए यहाँ पर श्रेष्ठ रहेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अष्टमेश का यहाँ पर बैठे नहीं रहना विपरीत राजयोग भी बनाता है। लग्नेश और पंचमेश का संबंध भी राजयोग कारक है। तो राजयोग तो मिलेगा पर आपके जन्म स्थान को त्यागना होगा तब आपको अच्छी सफलता मिले। मंगल की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, यहां पर पड़ेगी, यहां पर पड़ेगी, मांगलिक बनाएंगे आपको मंगल। छोटे छोटे भाइयों पर पराक्रम की हानि, भयभीत बनाएगा आपको, छोटे भाइयों से परेशानियां, ऋण रोग शत्रुओं से परेशानियां, पत्नी से अनबन, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो कुंडली देखकर ही विवाह करना चाहिए ऐसे जातकों को, कुंडली देख करके ही विवाह कर लेना चाहिए ऐसे जातकों को, वरना राजदंड इत्यादि मिल सकते हैं। मंगल ना होकर के यहां पर अगर मंगल की जगह यहां पर बुध हो सूर्य के साथ में तो बुधादित्य योग का सृजन होगा। बुध अपने भाव को देखेगा, बुध यहां पर नीच के रहेंगे, बुध यहां पर नीच के रहेंगे तो क्या परिणाम देंगे? यहां पर बुध नीच के रहेंगे तो बुध यहां पर नीच के रहेंगे बुधादित्य योग का सृजन तो करेंगे, शत्रुओं का नाश अवश्य कर देंगे, लेकिन अपन नहीं कह सकते। ज्योतिषकार तो यह कहते हैं यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तो सतस्यास्ति वृद्धि, ऋण रोग शत्रुओं से आपको बच करके रहना है। इतना सा तो मैं आपको कह दूं कि बुद्ध अपने भाव को देख रहा तो वृद्धि तो करेगा यहाँ की, और यहाँ की वृद्धि करेगा तो रोगी बनाने का आपको प्रयत्न करेगा। स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, सिर के अंदर चोट हो, ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न कर सकता, चर्म रोग दे सकता है बुद्ध का वैभव में बैठे रहना, क्योंकि ये चर्म का प्रतिनिधित्व करता है जो चमड़ी है, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। यात्राओं में यात्राएं अच्छी होगी ऐसे जातकों की, ऐसा तो अपन कह सकते हैं। अगर बुद्ध ना होकर के गुरु हो यहां पर, तब गुरु यहां पर पंचम या नवम भाव के स्वामी बनते हैं और वे भाव के भी स्वामी बनते, तो विपरीत राजयोग तो बनाएंगे, तो ये स्थिति राजयोग कारक रहेगी। सूर्य और गुरु की धार्मिक यात्राएं करेंगे, तीर्थों में जाएंगे, परोपकार करेंगे, आप परोपकारी रहोगे, लेकिन ऐसी स्थिति सैया सुख भी अच्छा रहेगा। त्रिकोणाधिपति और मध्य संबंधो येन केनचित केन्द्रनाथस्य बलिनो भवेद्यपि सुयोगकृत, त्रिकोण के स्वामियों का संबंध होगा यहाँ पर, तो यह राजयोग कारक रहेगा और 30 वर्ष की आयु के बाद में ही आपको इसके फल मिलेंगे, इस राजयोग के अच्छे फल। जातक का भाग्योदय 16 वर्ष की उम्र में लिखा गया है ऐसे तो, लेकिन फिर भी जातक का भाग्योदय पुत्र संतति के बाद ही ज्यादा होगा, पुत्र संतति के बाद ही आपको ज्यादा पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव इत्यादि मिलेगी और यह राजयोग रहेगा। अगर गुरु अस्त भी हो जाते हैं तब भी राजयोग रहेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्तावपि स्वयं संबंध मात्रात् बलिनो भवेताम योग कारको, इस कारण सुफल गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो यह शुभ दृष्टि रहेगी। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मकान वाहन भूमि नौकर चाकर सब रहेंगे। षष्ठ भाव पर तथा अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, आयु दीर्घायु करेंगे, यहाँ पर दीर्घायु होंगे, ऋण रोग शत्रुओं से बचना होगा, तब तो ये अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे सूर्य और गुरु। अगर सूर्य और शुक्र साथ में हो, शुक्र यहाँ पर उच्च के रहेंगे, द्वादश का शुक्र बड़ा अच्छा फल देने वाले होता है, सभी ग्रंथकार यही कहते हैं कि द्वादश भाव का शुक्र बड़ा अच्छा होता है। उच्च के रहेंगे सैया सुख, अनेक संबंध बने रहेंगे अनैतिक ऐसे जातकों के, ऐसा भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि द्वादश भाव का शुक्र ही ऐसा ही होता है। पर इतना सा संबंध अपन को ध्यान रखना होगा। पंचमेश तथा धनेश दोनों वैभव में बैठे हैं तो खर्चा करवाएंगे, ये धनवान धन योग भी बनाते हैं, धन की विपुलता को पंचम भाव इंगित करता है, धनवान तो बनाएंगे।
पत्नी से लाभ देगा, पत्नी से लाभ भी प्राप्त होगा क्योंकि सप्तमेश और द्वितीय उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति तो बड़ी अच्छी है शुक्र की और सूर्य की। विदेश में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं शजातक। सूर्य के साथ में अगर शनि हो तब क्या परिणाम, धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, कंजूस प्रवृत्ति के होंगे शजातक, पैसा खर्च नहीं होगा, अधिक तनाव अत्यधिक रहेगा ऐसे जातकों के। शनि का द्वादश भाव में बैठे रहना अच्छा ही माना गया है धन धन की धन के लिए। शनि अगर धन भाव को देंगे तो कंजूस प्रवृत्ति कुटुंब से अनबन बनी रहेगी, सही सुख को प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि अच्छा क्यों माना गया है, क्योंकि मीन राशि है यहां पर, इसलिए मंद क्षेत्रे गतो जीव, जीव क्षेत्रे गतशनि, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि कर शनि, मीन राशि में बैठा हुआ है। या फिर केंद्र बाह्यात भवेत जीव, केंद्र मध्य भवेत शनि, ऐसा भी कहा गया है। तो यानी कि गुरु की राशि में बैठे रहने के कारण सही सुख और यहाँ का जो भोग ऐश्वर्य है ये फल अच्छा देंगे यहाँ पर शनि। सूर्य मित्र क्षेत्रीय पर दोनों में अनबन है तो खर्चा करने में आपको व्यवधान उत्पन्न होगा, पैसा खर्च नहीं होगा। शनि की दृष्टि षष्ठ भाव पर तथा भाग्य भाव पर, अगर गुरु की अच्छा नहीं रहे तो भाग्य में अवरोध उत्पन्न कर देंगे ऐसे शनि, भाग्यशाली जीवन जो जिएंगे भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे, गुरु की दृष्टि होनी चाहिए यहाँ पर तब तो भाग्यशाली, अन्यथा भाग्य में अवरोध। अगर सूर्य के साथ में राहु हो तब क्या परिणाम, संतान पक्ष में बाधा, शिक्षा में बाधा, प्रेम 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 जीवन में बाधा, सब बाधाएं उत्पन्न करेगी। संतान पक्ष तो बाधित होगा ही होगा ऐसा जातक, अपन निश्चित ही कह सकते हैं, उपाय करना होगा। संतान गोपाल के पाठ हो, पुत्र संतति के लिए चिंतित हो सकते हैं ऐसे जातक। सूर्य तो पुत्रवान बनाता है, पुत्र तो होगा, लेकिन फिर भी राहु का साथ मिल जाना यहां पर ही पुत्र के लिए सही नहीं है। राहु का साथ मिल जाना यहां पर पुत्र के लिए सही नहीं है, इसलिए राहु और केतु अगर यहां पर रहेंगे सूर्य के साथ में, राहु केतु आ जाएंगे अगर राहु नहीं रहेंगे तो भी यात्राओं में लेकर के चिंता, क्योंकि यात्राओं का भाव भी यही है, राहु केतु यहां पर यात्राओं को लेकर भी चिंता उत्पन्न कर देते हैं, व्यर्थ का खर्चा करवाएंगे आपको, संतान के प्रति चिंता, शिक्षा के प्रति चिंता, ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे सूर्य और केतु। धन्यवाद मित्रों, अभी हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।